दिल्ली में जल संकट पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली के अंदर पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, पीने का पानी नहीं है। नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के इलाके में भी लोग नहाने को जनपद के फुआवरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, पर बना रेगिस्तान दिया है। दिल्ली में पीने के पानी की त्राई त्राई मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने दो वक्त की जगह अब एक वक्त पानी देने की बात करी और वह भी नहीं पहुंच रहा। लोग जनपद के फुहारों के नीचे नहा रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर इतने बुरे हालात हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप आरकेपुरम चले जाओ, आप मोती नगर चले जाओ, घरों के अंदर लड़ाई हो रही है पानी के लिए, पानी के टैंकर पहुँच नहीं रहे। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना, लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली को उजड़ा स्थान जरूर इन्होंने बना दिया। खुद शराब घोटाले करते हैं, स्कूल घोटाले करते हैं, बस घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और खुद शीश महल में रहते हैं। अपना जीवन स्तर तो बदल दिया, लेकिन दिल्ली के लोग आज तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए, जो सबसे बेसिक चीज़ है। अरविंद केजरीवाल जी, आप कितना बड़ा और दिल्ली के साथ अन्याय करेंगे? ये जो पाप कर रहे हैं इसको आपको भुगतना पड़ेगा, और दो तरीक़े के बाद जब जेल में होंगे तो आपको ये सारी बातें याद आएंगी। दिल्ली को आपने कितना तरसाया है, दिल्ली को आपने कितना बर्बाद किया है, उन सब की सजाएं अब आपको मिलेंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।